हेलो फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं कि जीमेल अकाउंट को आप लॉग आउट कैसे कर सकते हैं, जो गूगल का अकाउंट है उसको अपने मोबाइल से कैसे डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, दो तीन जीमेल्स होते हैं या एक ही जीमेल होती है, किसी और ने हमारे फ़ोन में लॉगिन की है, जब हमने किसी और के फ़ोन में लॉगिन किया तो उसको लॉग आउट कैसे करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। पर उससे पहले, अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। सबसे पहले आपको अपने जीमेल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ साइड पे आप सबसे ऊपर देख सकते हैं तीन लाइन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो, नीचे आओगे तो आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको शो होगा। यहाँ पे आपके दो तीन ईमेल्स भी लॉगिन हो सकती है, एक भी हो सकती है, तो आप उस ईमेल को सिलेक्ट कर लो। जैसे कि मैं यहाँ पे एक ईमेल को सिलेक्ट कर लेती हूँ। जहाँ पे ईमेल सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको शो होगा। उसके बाद आपको साइड पे सबसे ऊपर आप देख सकते हैं तीन डॉट हैं, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ मैनेज अकाउंट्स पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको गूगल को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे फिर वही, अगर आपके दो तीन अकाउंट हैं या आपके एक अकाउंट है, उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो मैंने जैसे ही अकाउंट को सिलेक्ट किया तो नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है, मोर पे आप सिलेक्ट करते हो तो रिमूव अकाउंट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करते हो, इस पर क्लिक करते हो रिमूव अकाउंट, तो इस तरह आप जीमेल का जो अकाउंट है उसको अपने मोबाइल से लॉग आउट कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।